नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। आज मैं आपको स्प्रिंकलर के बारे में बताऊंगा, स्प्रिंकलर क्या होते हैं, किस काम आते हैं और कैसे इनकी फिटिंग की जाती है, साथ ही साथ स्प्रिंकलर का यूज कौन सी क्लास ऑफ फायर में किया जाता है। तो इन सभी सवालों पर आज अपने बात करेंगे, साथ ही स्प्रिंकलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंकलर क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो का शुभारम्भ करें। अपने पास ये दो तरह के स्प्रिंकलर मौजूद हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर और इसे बोलते हैं अपराइट टाइप स्प्रिंकलर। इसका जो हेड है यह डाउन की तरफ है और इसका जो हेड है यह फ्लैट है। तो फ्लैट वाले को अपने बोलते हैं पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर और जो यह डाउन टाइप है इसे अपने बोलते हैं अपराइट स्प्रिंकलर। दोनों स्प्रिंकलर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों स्प्रिंकलरों को अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है और इन दोनों के ही जो ग्लास बल्ब हैं इनका कलर रेड है, यानी ये दोनों ही स्प्रिंकलर 68 डिग्री के टेम्परेचर पर फट जाते हैं और पानी का प्रेशर बाहर आना शुरू होता है। ये है UL लिस्टेड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर वैसे तीन प्रकार के होते हैं, पेंडेंट स्प्रिंकलर, अपराइट स्प्रिंकलर और साइड वॉल स्प्रिंकलर। अपने पास अभी दो ही टाइप के स्प्रिंकलर हैं। जो ये आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं अपनी पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर और यह दूसरा जो है इसे अपने बोलते हैं अपराइट स्प्रिंकलर। पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर का यूज अपने डाउन की तरफ अगर कोई बेसमेंट में या कोई पार्किंग जो लॉट है वहाँ पर लगाए जाते हैं, अगर कोई फायर होती है तो इनमें से पानी निकलता है और वह उसको बुझा देता है। तो स्प्रिंकलर बेसिकली ए क्लास की फायर पर यूज होते हैं, जैसे लकड़ी, कागज़, कोयला, प्लास्टिक, रुई, इन पर अपने यूज करते हैं स्प्रिंकलर का। सबसे पहले अपने पेंडेंट स्प्रिंकलर के बारे में बात करेंगे। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसे अपने बोलते हैं पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर। इस स्प्रिंकलर का यूज अपने ए क्लास की फायर पर करते हैं और इसे इस तरह से लगाया जाता है किसी भी सीलिंग फॉल के ऊपर। जब भी कोई अपने फायर फाइटिंग करते हैं तो ये आपको रेड कलर की जो ट्यूब दिखाई दे रही है इसे अपने बोलते हैं ग्लास बल्ब। इस ग्लास बल्ब का टेम्परेचर 68 डिग्री पर यह फट जाता है और आपको इसमें से पानी निकलना स्टार्ट होता है। इसके अंदर ये जो आपको दिख रही है यह सील, यह निकल जाएगी और पानी डायरेक्टली यहाँ से इसके ऊपर गिरना स्टार्ट करेगा। इसके ऊपर गिरेगा पानी तो यह फैलेगा दूर दूर तक। तो यह डाउन की जो आग होती है उसके लिए इसको लगाया जाता है, इसलिए हमने इनको बोलते हैं पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर। यह स्प्रिंकलर ए क्लास की फायर पर काम आता है। इसके ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी है, यह UL लिस्टेड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर है और इसका यूज अपने ए क्लास के ऊपर करते हैं। दूसरा जो स्प्रिंकलर है अपने पास इसे अपने बोलते हैं अपराइट स्प्रिंकलर। अपराइट यानी इसका जो हेड है यह उस स्प्रिंकलर के मुकाबले अलग दिखाई देता है। इसका जो हेड है यह फ्लैट है और इसका यह ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी यह अपराइट ऊपर के लिए लगाया जाता है। अगर सीलिंग फॉल में या छत के ऊपर आग लगती है तो इसका यूज करते हैं। तो इससे पानी ऊपर की ओर तरफ जाता है प्रेशर के साथ और इसमें भी रेड कलर की ट्यूब लगी गई है जो 68 डिग्री सेल्सियस पर फट जाती है और इसमें से पानी निकलना स्टार्ट करता है। तो स्प्रिंकलर का बेसिकली यूज अपने ए क्लास की फायर पर करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, यह पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर है और यह अपराइट टाइप स्प्रिंकलर है। हर स्प्रिंकलर में रेड कलर की ट्यूब नहीं होती है, किसी किसी स्प्रिंकलर में यह ब्लैक होती है या अदर कलर भी होते हैं। तो जो रेड कलर की जो ट्यूब लगी है यह 68 डिग्री पर फटती है। इसके अलावा अगर कोई ब्लैक है या अदर है तो उनका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको उसके लिए एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर आपको इन ट्यूब के बारे में बताऊँगा। तो अभी अपने बात करते हैं इनको फिक्स करने की, कैसे इनका इंस्टॉलेशन किया जाता है। ये इस स्प्रिंकलर के कुछ इंस्टॉलेशन टूल हैं जिनके जरिए इस स्प्रिंकलर को जोड़ा जाता है। तो अपने देखते हैं इनको कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले अपने इसका यूज करते हैं, यह एक आउटर का पार्ट है
जिसके ऊपर स्प्रिंकलर को लगाया जाता है टेफ्लोन टेप के जरिए। अभी अपने इसको डायरेक्टली लगा रही हैं ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि स्प्रिंकलर को लगाया कैसे जाता है। इस तरह से इसको फिट करने के बाद इसके ऊपर अपने जो ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है स्प्रिंकलर हेड के लिए, इसे अपने फ्लेक्सिबल ट्यूब ही बोलेंगे कि इसे अपने किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, कहीं से भी इसको मोड़ा जा सकता है, तो इसे अपने फ्लेक्सिबल ट्यूब बोलते हैं। तो इसको अपने इसके आगे कस देंगे, इसमें जो थ्रेड है इसके जरिए इसको अपने यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ध्यान रखना है ये सब करने से पहले स्प्रिंकलर को प्रोटेक्शन के लिए, यह उसका एक प्रोटेक्शन ग्लास के लिए बनाया हुआ एक कवच है जो इसके ऊपर लगाना ज़रूरी है, जिससे इस ग्लास के ऊपर दबाव नहीं आएगा और यह पहले ही टूट नहीं जाएगा। तो इसे अपने लगाए ज़रूर रखना है, लेकिन जब इसको लगा दें फिट करने के बाद में इसको हटाना भी ज़रूरी है। तो अब अपने इसके ऊपर इसे यहाँ पर फिट करेंगे। इसे लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। एक बार इसके अंदर अपने को एक लोहे की ट्यूब को डालना है। इसको यहाँ पे फिट करने के बाद अपने ये जो लोहे की ट्यूब आपको दिख रही है इसे इसके अंदर फिट करेंगे। फिट करने के लिए इसको पहले थोड़ा सा और लूज करेंगे, मैंने शायद इसको ज़्यादा टाइट कर दिया है, और इसे यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। इसको सेंटर में रखेंगे और इसे फिर दोबारा वापस टाइट कर देंगे। अपना हो गया है फिट कि इसे अपने इस साइड में लगा दिया है, दूसरा स्प्रिंकलर को बीच में भी टाइट कर दिया है और इधर भी इसको लगा दिया है। अब जो सीलिंग फोल है, फोल सीलिंग जो है उसके ऊपर कहीं भी पोर्शन मिले तो इसको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ से लूज़ करके इस पोर्शन को और उसके अंदर इसको फंसा देना है, जिसके ज़रिए यह टाइट हो जाएगा। फिर इसको वापस टाइट कर देना है, और अगर अपने को लगे कि यह ज़्यादा बाहर की तरफ स्प्रिंकलर है तो इसे अपने एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा करके लूज और इसको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है और इसे फिट टाइट करते हैं। तो इस तरह से अपने इसको फिट करते हैं। इसके बाद में इसे इस तरह से लगा दिया जाता है और इसे हटा देना चाहिए ताकि स्प्रिंकलर बाहर दिखता रहे, बाकी जो ये ट्यूब है यह अंदर फॉल सीलिंग के अंदर ही आ जाएगी। और जो ये लास्ट इसका जो पोर्शन है यहाँ पर अपने इसको इसके साथ टाइट करेंगे, और उसके बाद में जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की जो लाइन आ रही है उसके साथ यहाँ पर उसको थ्रेड को कस देंगे, जिसके बाद में यह स्प्रिंकलर अपना रेडी है और जब कभी भी फायर होती है तो अपने इसको ऑटोमेटिकली यूज किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी डाउट आपका रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो ज़रा वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।